हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रियांश दुबे और आप देख रहे हैं अपने निकल के इंस्टीट्यूट इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पिछले 10 महीनों में मध्य प्रदेश में जितनी सारी चीजें हुई, जितनी सारी घटनाएं हुई, उन सारी घटनाओं में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आए, या फिर जो कहा जाए तो पिछले 10 महीनों का जो सार है, करंट अफेयर्स का सार है, वो आपको इस सिंगल लेक्चर में आपको मिलने वाला है। और इस पूरे सिंगल लेक्चर में कंपाइलेशन किया गया उन सारी इन्फॉर्मेशन का, उन सारी न्यूज़ का, जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस लेक्चर को देखते हो तो इस लेक्चर से हो ना हो 2-3 क्वेश्चन आपको पेपर में एज इट इज दिख जाएंगे, बिकॉज करंट अफेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है। कोई भी एग्जामिनेशन हो, एग्जाम संविदा का हो, मार्केटिंग फेडरेशन का हो, MBSI का हो, कांस्टेबल का हो, ग्रुप 4 का हो, ग्रुप 2 का हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है करंट अफेयर। इसलिए ये लेक्चर आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि इस लेक्चर की लेंथ काफी लंबी रहेगी क्योंकि इसमें सारी चीजों का कंपाइलेशन किया गया है, और सारी चीजों को कंपाइलेशन में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सारी चीजें मिल जाएंगी। 1 घंटे 1.5 घंटे का जो भी लेक्चर का सेशन रहेगा, इस 1-1.5 घंटे में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको क्या क्या एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है। आप चाहो नोट्स बना सकते हो, आप चाहो इस लेक्चर को रिपीटेड मोड पे सुन सकते हो, आपको जो भी ठीक लगे आप वो कर सकते हो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और दिस पर्टिकुलर लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंप्रूविंग योर करंट अफेयर। इसके अलावा आप किसी भी और एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो पिनाकल कैरियर इंस्टीट्यूट को बिल्कुल विजिट कर सकते हो, मैं नंबर्स पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो मेरा पहला क्वेश्चन जो है वो आपके लिए है, मध्य प्रदेश में एनटीपीसी जिसका फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एक महारत्न कंपनी है, और ये ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे भारत में काफी फेमस है अपने पावर प्लांट को इंस्टॉल करने की वजह से। हाल ही में मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के सनावत तहसील में 660 मेगावाट की 2 यूनिट लगाई गई हैं, जिससे मध्य प्रदेश में बिजली की जो भी कमी है इसे कम किया जा सके, साथ ही साथ हम हमारे पड़ोसी राज्यों में भी बिजली की सप्लाई कर सके और मध्य प्रदेश के रेवेन्यू को इंक्रीज कर सके। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट प्रमोशन असिस्टेंट स्कीम। जैसा कि मध्य प्रदेश सरकार जो है वो एंटरप्रेन्योर यानी कि उद्यमी को बढ़ावा देने के लिए काफी कुछ कर रही है, और इसी सीरीज में इन्वेस्टमेंट यानी निवेश, प्रमोशन यानी किसी चीज को बढ़ावा देना, असिस्टेंस यानी सहायता, स्कीम यानी योजना। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में उद्यमी को निवेश में बढ़ावा देने की दृष्टि से या निवेश को बढ़ावा देने की दृष्टि से कौन सी स्कीम को लॉन्च किया गया है, तो आपको याद रखना इसका आंसर है इन्वेस्टमेंट प्रमोशन असिस्टेंस स्कीम। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन जो है वो एक अवार्ड से संबंधित है, और इस अवार्ड का नाम अब बदला गया है। एक अवार्ड है जो कि उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने बंजारा या आदिवासी लोगों के लिए कुछ अच्छा किया हो, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए उनको बढ़ावा दिया हो, चाहे वो बढ़ावा एजुकेशन को लेकर हो या फिर उनके जॉब को लेकर, उनकी स्किल अपग्रेडेशन को लेकर हो। पहले इस अवार्ड का नाम था पुरस्कार योजना नियम, लेकिन वर्तमान में इसका नाम हो गया है श्री सेवालाल महाराज। ये सेवालाल महाराज जी ने काफी अच्छे काम किए थे बंजारा व आदिवासी समुदाय के लिए, इसलिए वर्ष 2018 से ऐसे जो व्यक्ति हैं जिन्होंने बंजारा या आदिवासियों के लिए कुछ भी अच्छा किया हो तो उन्हें अवार्ड मिलेगा, उसका नाम है सेवालाल महाराज अवार्ड। तो आप याद रखें सेवालाल महाराज अवार्ड का संबंध है बंजारा से। हमारा अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ यहाँ के वनों की क्वालिटी यानी इनकी गुणवत्ता को सुधारने की दृष्टि से वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक ने 150 करोड़ रुपए दिए हैं। अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 में, और ये मुख्य रूप से बना था वर्ल्ड वॉर टू के बाद, वर्ल्ड वॉर टू जो कि 1939 से 1945 तक हुआ था। इसमें काफी ज्यादा लॉस हो गया था, काफी सरकारें, काफी देश इसमें ऑलमोस्ट बर्बाद होने के कगार पे आ गए थे। इसके बाद वर्ल्ड बैंक बना जो ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज में उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम करता है। तो आपसे यहां से 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में वनों की गुणवत्ता को सुधारने की दृष्टि से किस संस्थान ने पैसे दिए, तो आपको याद रखना इसका आंसर वर्ल्ड बैंक होगा। आपके पास ऑप्शन में IMF, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी होंगे, बट आप वर्ल्ड बैंक पे आंसर करें। दूसरी चीज, अगर पूछा जाता है कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय यानी उसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो आपका आंसर रहेगा वॉशिंगटन डीसी। ये भी याद रखिएगा कि ये अमेरिका की राजधानी है, और वॉशिंगटन डीसी इसका नाम इसीलिए है क्योंकि जॉर्ज वॉशिंगटन जो अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, ये उनके नाम पे रखा गया है। अगली चीज पे अगर हम बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश सरकार भारत में पहली ऐसी सरकार बन गई है जिसने ट्रांसजेंडर्स यानी समलैंगिकों के हितों में एक बड़ा कदम उठाया है, और
मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड अपॉइंट किया है, WAQF वक्फ बोर्ड अपॉइंट किया है, जिसमें सारे के सारे सदस्य सिर्फ ट्रांसजेंडर्स होंगे। और ये एक बहुत बड़ी मुहिम है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है मध्य प्रदेश सरकार के लिए। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन एक फेस्टिव से रिलेटेड है जो काफी कॉन्ट्रोवर्शियल भी रहा है शुरुआत के दिनों में। तो ये है हिंगोटवार, मुझे उम्मीद है आपने इसके बारे में सुना होगा। हिंगोटवार जो है वो दिवाली के बाद, आप ढोक पड़वा आपने सुना, दिवाली के बाद जो पड़वा आती है उसे हम ढोक पड़वा कहते हैं, उस दिन हिंगोटवार मनाया जाता है। और इंदौर से 60 किलोमीटर दूर एक जगह है गौतमपुरा का मंदिर। तो प्रैक्टिकली अगर देखें इंदौर से कितना दूर, 60 किलोमीटर कहां, गौतमपुरा के मंदिर पर हिंगोटवार होता है। ये कब होता है, ये दिवाली के बाद ढोक पड़वा पर होता है। बेसिकली ये है क्या, हिंगोट एक फल होता है, इसको बीच में से चीर दिया जाता है, उसमें बारूद भरा जाता है और उसके बाद उसे पैक करके ढोक पड़वा के दिन आपस में लोग समुदाय बनाकर उन पर इससे वार करते हैं। ठीक है, अगली चीज पे हम बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने टूरिज्म यानी पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप किया है। तो आप उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखें, वो आपसे पूछा जा सकता है। और ये है लैटिट्यूड इंटरनेशनल। मध्य प्रदेश सरकार ने लैटिट्यूड इंटरनेशनल के साथ करार किया है ताकि मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके, पर्यटन के क्षेत्र को विकसित किया जा सके। मध्य प्रदेश में ऑलरेडी भीम बैठिका, सांची स्तूप और खजुराहो में विदेशी पर्यटक काफी ज्यादा है, लेकिन इसके अलावा अन्य विदेशों से भी भारत में, मध्य प्रदेश में स्पेशली विदेशी पर्यटक आए, इसलिए मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने ऐसा किया है। आगे की अगर हम बात करते हैं तो हमारे अगले क्वेश्चन में हमने कुछ रिलीजियस टॉपिक पिक किए हैं, जैसे कि केंद्र सरकार की एक योजना है, दैट इज स्वदेश दर्शन योजना। नाम याद रखिएगा, ये योजना केंद्र सरकार की है, स्वदेश दर्शन योजना। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार रिलीजियस टूरिज्म सर्किट बनाने वाली है। क्या, रिलीजियस टूरिज्म सर्किट, एक ऐसा सर्किट जिसके तहत आपकी यात्रा अगर उज्जैन से शुरू होती है तो उज्जैन और उसके आसपास के सारे जगहों के मंदिर, धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल आपको घुमाए जाएंगे और आपकी यात्रा जो है वो ओंकारेश्वर परमा नर्मदा के आचमन के साथ खत्म होगी। तो याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वदेश दर्शन योजना जो है वो कहां से कहां तक के लिए शुरू की गई, तो शुरू की गई उज्जैन से लेकर ओंकारेश्वर तक के लिए। हमारा अगला प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने 21 जुलाई 2017 को, देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने 21 जुलाई 2017 को फूड कमीशन यानी खाद्य आयोग की स्थापना की है। इसके स्थापना का मुख्य उद्देश्य है जितने भी बीपीएल फैमिली हैं, बीपीएल यानी बिलो देन पॉवर्टी लाइन होता है, गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों को बीपीएल कहा जाता है। तो बिलो देन पॉवर्टी लाइन लोगों को जो हम एक मंथली फ्री ऑफ कॉस्ट या सब्सिडी पे जो खाद्य उत्पन्न कराते हैं, उनको उन तक खाद्य पहुंचाते हैं, वो बहुत ही नाम मात्र की रेट तक उन पे पहुंचे। लेकिन पिछले कुछ समय से शिकायतें आ रही थी कि इन सब में काफी ज्यादा स्कैम हो रहा है, इस वजह से लोग परेशान हो गए थे, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक खाद्य आयोग की स्थापना कर दी। आपको ये जानना चाहिए कि मध्य प्रदेश में खाद्य आयोग जो बना है वो बेसिकली फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत बनाया गया है। फूड सिक्योरिटी एक्ट में भारत सरकार ने सुनिश्चित किया है कि जितने भी राज्य हैं वो अपने अपने राज्यों में 5 किलोग्राम अनाज प्रति पर्सन बहुत ही कम दरों पर उपलब्ध कराएं। इसी के साथ चावल मात्र 3 रुपए प्रति किलोग्राम पे अवेलेबल हो, गेहूं 2 रुपए प्रति किलोग्राम पे अवेलेबल हो, व जो अन्य आपके अनाज होते हैं जिन्हें हम कोर्स ग्रेन्स कहते हैं वो 1 रुपए प्रति किलोग्राम पे अवेलेबल हो। तो याद रखिए, चावल 3 रुपए प्रति किलोग्राम, गेहूं 2 रुपए प्रति किलोग्राम और कोर्स 1 रुपए प्रति किलोग्राम। वेल, इसके आगे की अगर हम बात करें तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आ रहा है आपका हैप्पीनेस डिपार्टमेंट से। ऑफ कोर्स हैप्पीनेस डिपार्टमेंट, आप सभी को बहुत सारी खुशियां मिले। गाइस, कल यानी 20 मार्च को हैप्पीनेस डे भी था। एक क्वेश्चन आपको ये भी याद रखना चाहिए कि 20 मार्च को हम कौन सा डे मनाते हैं, तो 20 मार्च को हम मनाते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस डे यानी विश्व खुशहाली सूचकांक, और 20 ही मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड स्पैरो डे यानी विश्व गौरैया दिवस। तो आपके लिए 2 क्वेश्चन जो कि डेट से है, पहला विश्व गौरैया दिवस जिसे वर्ल्ड स्पैरो डे बोलते हैं, या विश्व खुशहाली दिवस यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है, तो 20 मार्च। अब ये न्यूज मैंने इसीलिए पिक की क्योंकि
मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना है जिसने हैप्पीनेस डिपार्टमेंट जो है उसे लॉन्च किया है। तो आपसे अगर पूछा जाता है भारत में वो पहला राज्य जिसने ऑफिशियली हैप्पीनेस डिपार्टमेंट लॉन्च किया, तो आपका आंसर होना चाहिए मध्य प्रदेश। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में पहला देश जिसने हैप्पीनेस डिपार्टमेंट या हैप्पीनेस कैबिनेट या हैप्पीनेस मिनिस्ट्री लॉन्च की, तो उसका आंसर होगा सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया दुनिया में पहला देश है जिसने अपने नागरिकों की खुशी का ध्यान रखते हुए एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री को बनाया, और सऊदी अरेबिया ऐसा करने वाला पहला देश है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अभी दो दिन पहले अगर मैं बताऊं तो 18 मार्च के दिन यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसका नाम था वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन ने जारी की थी? यूनाइटेड नेशन ने जारी की थी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है, इसमें यूनाइटेड नेशन ने दुनिया के 156 देश लिए, 156 कंट्रीज में ली, और इन 156 देशों में अलग अलग पैरामीटर्स पे सर्वे करवाया कि किस देश में खुशियों के क्या मायने और कौन सा देश सबसे ज्यादा खुश है। दुनिया में सबसे खुशहाल देश है नंबर वन फिनलैंड, FINLAND, फिनलैंड, जिसकी कैपिटल है हेलसिंकी। आपको नोकिया याद है जिसको कुछ साल पहले माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर कर लिया था? एग्जैक्टली, नोकिया जो है वो आपके फिनलैंड की थी। इस चीज को याद रखना, बिकॉज फिनलैंड में एक नदी बहती है जिसका नाम नोकिया है, और उसी के नाम पे उन्होंने उसका नाम नोकिया रख दिया था। वेल, मूव ऑन करते हैं। तो आप ये याद रखिएगा, जैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है वो यूएन देता है, इसमें 156 कंट्री थी, नंबर वन कंट्री फिनलैंड थी, और इंडिया, इंडिया की कंडीशन थी 133। हम 156 देशों में 133वें स्थान पे थे, सोचने वाली बात है। वेल, आगे अगर बढ़े तो हमारा जो अगला क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है हमारे लोकायुक्त से। तो मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त बने हैं नरेश कुमार गुप्ता। लोकायुक्त वो व्यक्ति होता है जो उस राज्य में रहकर इस बात का ध्यान रखता है कि राज्य में करप्शन एक्टिविटी ना हो, वह उन्हें रोका जाए, किसी प्रकार की कोई शिकायत मिल रही है तो उस पर तत्पर कार्यवाही की जाए। तो मध्य प्रदेश के लोकायुक्त है नरेश कुमार गुप्ता जी। आगे हम बात करते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो टाइगर से आ रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत सारे टाइगर रिजर्व है, जैसे कान्हा हो गया, आपका बांधवगढ़ हो गया, कान्हा के बाद बांधवगढ़ हो गया, और बहुत कुछ है। लेकिन यहां से एक न्यूज बहुत सैड है। सैड न्यूज ये है कि 2017 में सबसे ज्यादा टाइगर अगर किसी स्टेट में जिनकी डेथ हुई है वो है मध्य प्रदेश। टोटल 17 टाइगर, मेरी रिपोर्ट लिखने तक ये 17 थे, अपडेशन आगे भी हो सकता है, इस बात का आप ध्यान रखें। ये रिपोर्ट दिया एनटीसीए ने। एनटीसीए का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, या फिर टाइगर के संरक्षण के लिए कौन सी कमिटी काम करती है, कौन सा आयोग काम करता है, तो उसका फुल फॉर्म प्लीज आप देखें, दैट इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। एक चीज याद रखना, दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर 70% टाइगर आपके पाए जाते हैं भारत के अंदर, उसमें भी सबसे ज्यादा टाइगर आपके पाए जाते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, मध्य प्रदेश नहीं है इसका आंसर, ये है कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा हाथी कर्नाटक में पाए जाते हैं, इस बात को अच्छे से याद रखना। चलिए अगली चीज पर पढ़ते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में विधवा महिलाओं पर। आप लोगों को ये न्यूज अच्छे से याद होगी कि मध्य प्रदेश में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं श्री शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने विधवाओं के संरक्षण के लिए बहुत कुछ घोषणाएं की। उनमें से एक घोषणा है ये कि मध्य प्रदेश में विधवा महिलाओं को अब से कल्याणी कहकर पुकारा जाएगा। विधवा जैसे वर्ड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से भी आगे जाकर हमेशा के लिए हट जाएंगे। ऐसा सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है ताकि वुमेन एम्पावरमेंट, स्पेशली हमारी विधवा महिलाओं का एम्पावरमेंट किया जा सके। इसी के साथ अगर आप किसी ऐसी कल्याणी यानी ऐसी किसी विधवा महिला से शादी करते हैं जिसकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष है, ध्यान से देखिएगा 18 to 45 ईयर है, तो आपको यानी जो व्यक्ति उस महिला से शादी कर रहा है उसे 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ऐसा उस व्यक्ति के साहस को और ज्यादा एनकरेज करने की दृष्टि से किया जा रहा है। वेल, आगे की न्यूज पे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारी जो आगे की न्यूज है वो है एकात्म यात्रा। एकात्म यात्रा आई मीन EKATMYATRA, एकात्म यात्रा। एकात्म इसका मतलब है एकात्मा, एक संसार एक दुनिया। एकात्म यात्रा की शुरुआत हुई है, मध्य प्रदेश सरकार ने इस यात्रा की शुरुआत बहुत ही भव्य तरीके से की। श्री श्री रविशंकर, आदि शंकराचार्य, काफी सारे लोग जो हैं इस यात्रा में शामिल हुए, और बेसिकली ये यात्रा जो थी वो आपके आदि शंकराचार्य का जो 108 फीट लंबा स्टैच्यू का निर्माण हो रहा है ओमकारेश्वर में, उसी के लिए की गई है। आदि शंकराचार्य के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं जिन लोगों को नहीं पता। अब से हजारों साल पहले 4
मठों की स्थापना की गई भारत की चार दिशाओं पर, और इन मठों की स्थापना की थी आदि शंकराचार्य ने, और आदि शंकराचार्य के सम्मान में मध्य प्रदेश सरकार ने नर्मदा नदी के तट पर ओमकारेश्वर में 108 फीट लंबा स्टैच्यू बनाने का फैसला लिया है। ओमकारेश्वर जो कि खंडवा डिस्ट्रिक्ट में आता है और ये नर्मदा नदी के तट पे बना हुआ है। अच्छा एक चीज, हमने सिर्फ ओमकारेश्वर ही क्यों चुना, उज्जैन भी हो सकता था। उसका सबसे सही उत्तर ये है कि आदि शंकराचार्य के जो धर्म गुरु थे जिनका नाम था गुरु गोविंद भगवत पद, आदि शंकराचार्य के धर्म गुरु कौन थे, ये थे गुरु गोविंद भगवत पद। इनसे ज्ञान और इनसे मोक्ष की प्राप्ति आदि शंकराचार्य को ओमकारेश्वर में मां नर्मदा नदी के तट पर हुई थी, इसीलिए नर्मदा मां का ये संगम चुना गया। वेल, आगे बनते हैं इसी से और क्वेश्चन। जैसे कि मध्य प्रदेश सरकार ने एक और फैसला लिया है कि आदि शंकराचार्य की याद में ओमकारेश्वर में एक इंस्टीट्यूट का निर्माण किया जाएगा। ये इंस्टीट्यूट जो है वो काफी सारे स्किल्स को डेवलप करने के लिए, साथ ही साथ रिलीजियस यानी धार्मिक जो हमारे चीजें होती हैं धार्मिक उद्देश्यों की प्राप्ति के उद्देश्य से भी किया जाएगा। वेल, जब तक बनने दीजिए, देखते हैं इसमें क्या क्या सिखाया जाता है। अगली चीज पे हम बढ़ रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूह। SHG का फुल फॉर्म याद रखिएगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह वो समूह होते हैं जो महिलाओं द्वारा या पुरुषों द्वारा एक बहुत ही छोटे से लेवल पे किसी पर्टिकुलर एक सेम कॉज के लिए स्थापित किए जाते हैं। इन्हें मध्य प्रदेश सरकार से पहले 50 लाख रुपए का अनुदान मिलता था। अनुदान यानी दान होता है, एक मदद होती है। इसे बढ़ा के कर दिया गया 1 करोड़। उम्मीद की जा सकती है इससे आने वाले समय में हमारे राज्य में काफी कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। वेल, आगे की अगर हम बात करें तो ग्वालियर से एक क्वेश्चन आ रहा है, ग्वालियर पुलिस। एग्जैक्टली, ग्वालियर पुलिस मध्य प्रदेश की पहली ऐसी पुलिस बन गई है जिसने मुजरिमों का भी आधार नंबर रजिस्टर शुरू कर दिया। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा यह होगा, फॉर एग्जांपल कोई मुजरिम है जिसने कोई क्राइम किया और वो भाग गया, अगर उसका आधार नंबर, आधार सभी के पास होगा जो कि हमारा 12 डिजिट का न्यूमेरिकल कोड होता है, ये भी याद रखिएगा कि 12 डिजिट का न्यूमेरिकल कोड होता है आधार हमारा, और किसी ने कोई क्राइम किया, वो व्यक्ति भाग गया, अब हमें उसके फिंगरप्रिंट्स मिले, हम उसे टैली कैसे करेंगे? सिंपल, हमारे पास आधार का बायोमेट्रिक डेटा है, हम उसके डेटा को वहां पे पुट करेंगे, हमें आसानी से मिल जाएगा ये पर्सन इस समय कहां पर है या फिर इसका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, और बाकी चीजों की सहायता से हम उस तक पहुंच सकते हैं। तो ग्वालियर पुलिस मध्य प्रदेश में पहली ऐसी पुलिस बनी है जिसने मुजरिमों को पकड़ने के लिए उनका आधार नंबर रजिस्टर करना शुरू कर दिया। हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ग्वालियर के पास से ही पिक किया गया, टेकनपुर से। जी हाँ, कॉन्फ्रेंस ऑफ पुलिस नामक, कॉन्फ्रेंस ऑफ पुलिस यानी आप कह सकते हैं पुलिस सम्मेलन, लेकिन इसका सही नाम जो ऑफिशियल नाम है वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पुलिस ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। पुलिस सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस ऑफ पुलिस सम्मेलन हुआ है टेकनपुर में। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इस सम्मेलन का उद्घाटन जो है स्वयं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इसमें हमारे होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी भी थे, हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री व अन्य जो हमारे माननीय सदस्य हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल थे। तो आपसे अगर पूछा जाए तो आपका आंसर होना चाहिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पुलिस हुआ है टेकनपुर में। वेल, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेसिकली जो है एक ट्राइब है, ये जो न्यूज है वो झाबुआ से आ रही है। झाबुआ में ट्राइबल्स जो हैं वो इस बात से बड़े परेशान हैं कि उनकी जो जनरेशन है, जो बच्चे आगे आ रहे हैं, उनका पेड़ों के प्रति बिल्कुल भी लगाव नहीं है, और इसीलिए झाबुआ के जनजाति समुदाय ने एनजीओ के साथ मिलकर एक कैंपेन शुरू किया जिसका नाम है सेव मातानुवन। ध्यान से देखिएगा ये नाम, सेव मातानुवन, मतलब कि ट्राइबल्स चाहते हैं कि इस कैंपेन के माध्यम से ज्यादा लोगों को कैसे हम फॉरेस्ट बचाएं, उनकी ग्रोथ करें, उनका अपलिफ्टमेंट करें, इस बात पर उनका फोकस है। आगे की चीज पे चलते हैं। आगे का हमारा क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया कालिदास फेस्टिवल, ऑल इंडिया कालिदास फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो आपको ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आई थिंक आप बता सकते हैं। ये मनाया गया उज्जैन में, बिकॉज कालिदास जी कहां से थे, कालिदास जी थे उज्जैन से। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, 27वीं ऑल इंडिया जीवी मावलांकर, जीवी मावलांकर रिमेम्बर गणेश विद्यार्थी मावलांकर, ओके, तो 27वीं ऑल इंडिया जीवी मावलांकर शॉटगन शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी, और इस शूटिंग में मध्य प्रदेश की जो शूटिंग एकेडमी है वहां से गुबू शंकर और पार्वती कुमरेरे, मैं नाम रिपीट कर रही हूं, मध्य प्रदेश की स्टेट शूटिंग एकेडमी के
दो बच्चे थे जिनका नाम था गुबू शंकर और पार्वती कुमरे। इन्होंने जूनियर और सीनियर कैटेगरी में गोल्ड मेडल लाए हैं और मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। तो नाम याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है गुबू शंकर और पार्वती कुमरे का संबंध किस खेल विक्रम से। एक योजना है बेसिकली जो आपको याद रखनी है, जिसका नाम है आस पास की खोज कार्यक्रम। क्या नाम है? आस पास की खोज कार्यक्रम। और इसे बहुत ध्यान से समझना, मध्य प्रदेश के 51 जिलों में मध्य प्रदेश सरकार ने 2966 स्कूल का चयन किया गया है, ठीक है। इन स्कूल में बच्चों को एक प्रोजेक्ट दिया गया है कि आपको, आप जहां रहते हो, जैसे कोई बच्चा झाबुआ में रहता है तो उसे बोला गया है झाबुआ में क्या अच्छा है, कौन सा मंदिर अच्छा है, यहाँ पे कौन सा जो लीडर था वो अच्छा था, उसके बारे में बताइए। बच्चों के अंदर अपने देश प्रदेश के प्रति सम्मान, प्यार और उसकी रक्षा करने जैसी भावनाएं जागृत करने के उद्देश्य से आसपास की खोज कार्यक्रम 2966 स्कूल में शुरू किया गया। तो आप इस चीज को अच्छे से याद रखें। हमारा सेकंड क्वेश्चन आ रहा है डियर, नेकी की दीवार याद है आप लोगों को? कुछ समय पहले एक वॉलंटियर प्रोग्राम शुरू किया गया था कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा कि आपके पास जो भी एक्सेस में, आपके कपड़े, आपका खाना, आपके स्कूल बैग, आप कहीं जाइए, एक जगह दीवार है जहां लिखा है नेकी की दीवार और आपके पास जो भी एक्सेस चीजें वो वहां पे आप दे दीजिए। इसी बात को अप्रिशिएट करते हुए हमारी मध्य प्रदेश सरकार भारत में ऐसा पहला राज्य बन गया जिसने आनंदम विभाग, आनंद डिपार्टमेंट लॉन्च किया है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में आनंद विभाग, आनंदम डिपार्टमेंट लॉन्च करने वाला पहला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। इसी के साथ इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका हेडक्वार्टर है भोपाल में। इसके डायरेक्टर का नाम, इसके अध्यक्ष का नाम, इसके मुखिया का नाम आपसे पूछेंगे तो आप लगा दीजिएगा संदीप दीक्षित। समझ में आया आपको? अगली चीज की तरफ हम बढ़ते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जब हम कहीं घूमने जाते हैं जैसे लाल किला, ताजमहल या फिर इसी तरह की कई चीजें, जब हम घूमने जाते हैं तो वहां लिखा रहता है कि ये जगह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित है, या यहाँ पे जो भी चीजें हो रही है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पैसे से, उनकी फंडिंग से हो रही है। जो भी नेशनल लेवल की चीजें होती है उन्हें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है वो पैसे देता है, वो ग्रांट देता है। लेकिन राज्य स्तर पर भी कई ऐसी चीजें होती हैं जो राज्यों में बहुत प्रमुख होती हैं, बहुत फेमस होती हैं, उन्हें राज्य पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग संरक्षित करता है। यानी राज्यों में जो भी अच्छा होता है उसका संरक्षण कौन करता है? राज्य पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। ओके, अब लास्ट ईयर पटवारी के जो पेपर हुए थे उसमें बहुत ज्यादा परेशानी ये आई थी कि बच्चों से पूछा गया था ये वाला मंदिर कहाँ है, वो वाला मंदिर कहाँ है, और प्रॉब्लम ये थी कि वो मंदिर किसी पर्टिकुलर पर्सन को ही पता होते थे, वो वहां के थे। नहीं, सच्चाई ये है कि वो क्वेश्चन आपके 497 जो राज्य पुरातत्व सर्वेक्षण साइट है उन्हीं में से पूछे गए थे, 497 से कोई और नहीं पूछा गया था। तो आपको 497 बिल्कुल याद नहीं रखना, यकीन मानिए आपको सिर्फ 5 याद रखना है। 2017 तक यानी पिछले साल 2017 तक सिर्फ 492 साइट थी जिन्हें राज्य सरकार ने प्रोटेक्शन दे रखा था, उन्हें संरक्षित कर रखा था, लेकिन 2018 में इनकी संख्या हो गई 97, यानी इंक्रीजमेंट हुआ है 5 का, और इन 5 से सवाल बन सकते हैं। तो जो भी मैं आपको आगे मंदिर बता रही हूँ उनके गांव, उनके जिले, उनकी तहसील बहुत अच्छे से याद करिएगा। जैसे सबसे पहला जो आपसे पूछा जाएगा, अगर पूछा जाता है तो लुकेश्वर नाथ मंदिर कहां पर है? व्हाट आई सेड, लुकेश्वर नाथ मंदिर कहां पर है? तो लुकेश्वर नाथ मंदिर है आपके रीवा जिले की जवा तहसील में। आपका आंसर होगा रीवा जिले की जवा तहसील। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है योगिनी माता स्थल कहां पर है? योगिनी माता स्थल है सिरमौर में। कहां पर? सिरमौर में। ये 5 इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हें 2018 में ही एड किया गया है। थर्ड है आपका प्राचीन किला। आपसे पूछा जा सकता है प्राचीन किला कहां पर है? ऑलमोस्ट सारे किले प्राचीन ही होते हैं बट इसका नाम ही प्राचीन किला है, और प्राचीन किला है आपका सागर जिला। सागर जिले की कौन सी तहसील में? मालथोन। आपसे अगर जिला पूछा जाए तो आप सागर लगाइएगा, तहसील पूछी जाए तो आप मालथोन लगाइएगा। अगली चीज पर हम बढ़ते हैं। अगला जो है, यहां से दो चीजों को, दो मंदिर को जो है शॉर्टलिस्ट किया गया है राज्य के द्वारा, जैसे एक है विष्णु जी का मंदिर और दूसरा है शंकर जी की मणिया। व्हाट आई सेड, विष्णु जी का मंदिर। आई एग्री, विष्णु जी का मंदिर कई जगह है, लेकिन आपको सिर्फ वही आंसर लगाना है जो मैं आपको बता रही हूँ। विष्णु जी का मंदिर और शंकर जी की मणिया जो है वो शिवपुरी जिला, कहां पर? शिवपुरी जिला की खनिया धाना तहसील। तहसील का नाम है क्लियर, खनिया धाना तहसील। अगर तहसील पूछे तो ये लगाइएगा, लेकिन अगर आपसे गांव का नाम पूछा जाता है तो गांव का नाम है पिरौदा उवारी। गांव का नाम क्या है? पिरौदा उवारी। क्लियर? तो गाइस यहां पे हमारे 497 में से 5 जो इंपॉर्टेंट थे उन्हें हमने लिख लिया है। आगे बढ़ते हमारे आगे अगले क्वेश्चन की ओर।
कोका कोला ब्रेवरेज, कोका कोला तो लगभग सभी का पसंद होता है, लेकिन आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि एमपी के अंदर कोका कोला ब्रेवरेज जो है वो अपना अत्याधुनिक बॉटलिंग प्लांट लगा रहा है। कोका कोला ब्रेवरेज जो है वो क्या लगा रहा है, अपना अत्याधुनिक आज के जमाने का बॉटलिंग प्लांट लगा रहा है। लेकिन ये लग कहाँ पे रहा है, ये लग रहा है आपका होशंगाबाद के बाबई तहसील के ग्राम मुहासा में। ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन, ये कहाँ लग रहा है, होशंगाबाद के गांव तहसील का नाम क्या है, बाबई। क्लियर। अब गांव कौन सा है यहां पर, मोहासा, MOHA मोहासा। याद, ये इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि जिस तरह मध्य प्रदेश में पीतमपुर और मंडीदीप आपके इंडस्ट्रियल एरिया है, वैसे मोहासा को भी आगे जाकर एक बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जाए ताकि युवाओं को रोजगार दिया जा सके, उनका अपने ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन रुके और वो मध्य प्रदेश की तरक्की में योगदान दें। एक चीज बहुत महत्वपूर्ण, मंत्री, हमारे उद्योग मंत्री जिसके जिन्होंने इसकी आधारशिला रखी, जिन्होंने इसकी नींव रखी, उनका नाम है श्री राजेंद्र शुक्ल। व्हाट आई एम सेइंग, हमारे उद्योग मंत्री कौन है, श्री राजेंद्र शुक्ल जी। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो प्लीज उद्योग मंत्री का नाम भी आ सकता है, इस बात को बहुत अच्छे से रखिएगा याद। चलिए आगे चीज बढ़ते हैं। कल हमने देखा था कि मध्य प्रदेश पहला स्टेट बन गया है जिसने विधवा महिलाओं के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड यूज किया, कल्याणी, यानी वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो मध्य प्रदेश में काफी तेजी से बढ़ रहा है। और इसी क्षेत्र में, इसी कैटेगरी में अब मध्य प्रदेश जो है वो महिलाओं को टू व्हीलर मैकेनिक बनने की भी ट्रेनिंग देगा। जी हाँ, मध्य प्रदेश में महिलाएं अब ना सिर्फ टू व्हीलर चलाएंगी बल्कि वो टू व्हीलर मैकेनिक बन के अपना जीवन यापन भी कर सकती हैं। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार जो है वो भोपाल में स्थापित क्रिस्प, CRISP, सबसे पहले क्रिस्प कहां पर है, क्रिस्प है भोपाल में। क्रिस्प एक संस्थान है जो मध्य प्रदेश की स्किल ट्रेनिंग को सपोर्ट करने का काम करता है। क्रिस्प के द्वारा इस तरह की महिलाएं जो टू व्हीलर मैकेनिक बनकर अपना जीवन यापन करना चाहती हैं, वो उन्हें 3 महीने का प्रशिक्षण कोर्स करवाया जाएगा, उसके बाद वो अपने जीवन को नई प्रगति, नई दिशा दे सकती हैं। अगली चीज पर हम बात करते हैं, एक और चीज यहां से भी मंत्री हम याद ही कर लेते हैं, तो हमारे जो कौशल विकास राज्य मंत्री हैं, यानी हमारे स्किल डेवलपमेंट स्टेट मिनिस्टर हैं, उनका नाम है दीपक जोशी। हमारे कौशल विकास राज्य मंत्री हैं दीपक जोशी। मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है शहीद भीमा नायक की स्टैच्यू से। शहीद भीमा नायक की स्टैच्यू का हाल ही में लोकार्पण हुआ और इस लोकार्पण को स्वयं हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। शहीद भीमा नायक का जो स्टैच्यू है वो बना है गांव धाबा बावड़ी। गांव का नाम बहुत अच्छे से देखिए, धाबा, DHABA, धाबा बावड़ी, BAWDI, धाबा बावड़ी। धाबा बावड़ी गांव है, लेकिन ये आता कहां पर है, ये आता है आपके बड़वानी में। धाबा बावड़ी कहां पर आता है, बड़वानी में। अब भीमा नायक के बारे में बात कर लेते हैं। तो भीमा नायक जो थे वो 1857 में जो क्रांति हुई थी इन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था अंग्रेजों के खिलाफ। बाद में इन्हें पोर्ट ब्लेयर की जेल भेज दिया गया था और इन्होंने और इनकी डेथ हो गई थी 29 दिसंबर 1876 को। आपके लिए एक क्वेश्चन जिसका आंसर मैं चाहूंगी आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में दें, भारत में स्वतंत्रता की पहली क्रांति किस ईयर में हुई थी, और हिंट यह है कि वो 1857 में नहीं हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रदेश का पहला उद्यमिता विकास केंद्र कहाँ खोला गया, उद्यमिता विकास केंद्र यानी कि स्किल डेवलपमेंट सेंटर। कल भी हमने डिस्कस किया था कि एमपी गवर्नमेंट इज वेरी सीरियस कि हम हमारे राज्य के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा स्किल ट्रेनिंग दें, और इसी क्षेत्र में मध्य प्रदेश में पहला उद्यमिता विकास केंद्र खोला गया है, और यह खोला गया आपके भोपाल में, और लगभग 600 करोड़ इसमें इन्वेस्टमेंट करने की संभावना जताई जा रही है। लेट्स सी आगे होता क्या है। चलिए नेक्स्ट, और एक क्वेश्चन आ रहा है हमारा, एक सफारी है, इसका नाम है व्हाइट टाइगर सफारी। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मैं इसे अपनी कैटेगरी में रखूंगी, व्हाइट टाइगर सफारी। लेकिन अब इस सफारी का नाम चेंज हो गया, इस सफारी का नाम हो गया है महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर सफारी। रिपीट, महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर सफारी। ये है कहां पर, ये है आपके मुकुंदपुर में। बेसिकली जो हमारे महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव थे वो रीवा के महाराज थे, और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अकेले ही शेरों का जो है शेरों के साथ काफी उन्होंने अच्छा शिकार किया, उन्हें कभी किसी सिपाही की जरूरत नहीं पड़ी थी। तो उनके ताकत, उनके शौर्य को देखते हुए महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव के नाम पर ही व्हाइट टाइगर सफारी का नाम रख दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है,
एक सम्मान है, ये सम्मान का नाम है, सबसे पहले नाम देखते हैं, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर राष्ट्रीय सम्मान, नाम है हमारा डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर सम्मान। ओके, ये सम्मान उन लोगों को दिया जाता है जो आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व में अच्छा करते हैं, जिन्होंने एक पर्टिकुलर ईयर में आर्कियोलॉजी को लेकर कुछ ऐसा किया जो अपने आप में एक बेंचमार्क बन जाए। ये सम्मान वर्ष 2013-14 के लिए दिया गया है प्रोफेसर दिलीप चक्रवर्ती को, 2013-14 के लिए दिया गया प्रोफेसर दिलीप चक्रवर्ती को। इस सम्मान के अंतर्गत विनर को 2,00,000 रुपए की राशि, शॉल, श्रीफल और प्रशस्ति पत्र मिलता है। अब बात कर लेते हैं डॉक्टर विष्णु श्रीधर के बारे में। तो विष्णु श्रीधर का जन्म जो है वो 4 मई 1919 को हुआ था, यानी जब हमारा वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, हमने कल भी डिस्कस किया था इस बारे में। तो 4 मई 1919 को जब इनका जन्म हुआ और उसके बाद इनकी जो डेथ है वो हुई थी 3 अप्रैल 1988 को। इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में मध्य प्रदेश की जितनी भी पुरातत्व चीजें थी, जितना भी आर्कियोलॉजिकल था, उन सबको बहुत अच्छे से हाईलाइट करने में बताया। लेकिन मुख्य चीज जिनके लिए इनका नाम रखा गया सम्मान पर, भीम बैठका, आपको भोपाल के पास की भीम बैठका याद है, वहां पर जो चित्र है, जो शिला चित्र है, उनके एनालिसिस में इन्होंने अपना सबसे अच्छा वक्त दिया और इसीलिए इनके नाम पर मध्य प्रदेश सरकार ने रख दिया डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर सम्मान। जो भी इस क्षेत्र में अच्छा करता है उसे सम्मान दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है ओडीएफ से, ओपन डिफिकेशन फ्री, खुले में शौच से मुक्त करने में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का पहला जिला ग्रामीण में भी यानी रूरल में भी और शहरी में भी यानी कि अर्बन में बना है आपका नरसिंहपुर। तो आपसे अगर पूछा जाता है मध्य प्रदेश का पहला जिला अर्बन में रूरल में जो खुले में शौच मुक्त हुआ वो कौन है, नरसिंहपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, हम कर रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, ठीक है। 2 अक्टूबर 2019 तक एक टारगेट है कि पूरे हिंदुस्तान को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ओडीएफ फ्री कर दिया जाए। अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है कृषि कर्मा पुरस्कार से, आप आसानी से गैस कर लेंगे, इस बार भी अवार्ड मिला है हमारे अपने प्यारे मध्य प्रदेश को। जी हाँ, कृषि कर्मा पुरस्कार दिया जाता है मध्य प्रदेश को। इस साल भी ऐसी घोषणा हुई 2015-16 के लिए मध्य प्रदेश ने गेहूं में 10,00,000 टन, मध्य प्रदेश ने 2015-16 में 10,00,000 टन से भी ज्यादा गेहूं का उत्पादन किया और इसीलिए हमारे माननीय सीएम शिवराज सिंह चौहान को 2 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि से सम्मानित भी किया गया। और इसी के साथ अनुमान लगाया गया कि इस साल हमारी जो कृषि विकास दर रहेगी वो 25% रहेगी। एमपी इज डूइंग वेल कृषि के क्षेत्र में, लेट्स सी आगे फार्मर्स के लिए हम लोग कितना करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट पर, अगेन एंटरप्रेन्योर, ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट यानी वैश्विक कौशल संवर्धन को उजागर करने के लिए, उसको एनहांस करने के लिए देश में पहली समिट हुई कहां पर, भोपाल में। आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, डोंट वरी। ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट कहां पर हुई, आपका सिंपल आंसर होगा कहां पर हुई, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, ये तो पता ही होगा ना। चलिए यहां से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको समझनी है याद रखिएगा इंटेलेक्चुअल लेवल पर। पूरे भारत में दो तरह के मॉडल फॉलो होते हैं रोजगार को लेकर, एक है आपका जर्मनी मॉडल, दूसरा है सिंगापुर मॉडल। होता क्या है जर्मनी मॉडल, जर्मनी मॉडल के अंतर्गत सरकार यानी गवर्नमेंट जो है वो युवाओं की जो उनकी स्किल्स है उनको एनहांस करती है, उनको ट्रेनिंग देती है, उनको डेवलप करती है और उसके बाद उन्हें रोजगार प्रदान करती है। ये कौन सा मॉडल हुआ, यानी जर्मनी मॉडल। दूसरा है सिंगापुर मॉडल। सिंगापुर मॉडल में राज्य सरकार जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है वो रोजगार का आकलन करती है कि हमारे राज्य में किस तरह के एम्प्लॉयमेंट की नीड है, किस तरह के एम्प्लॉय हमें चाहिए, फिर उन्हें ट्रेनिंग देती है, उन्हें प्रशिक्षण देती है और उसके बाद हमारे राज्य में युवाओं को रोजगार मिलता है। और सिंगापुर मॉडल का जो आकलन है वो हर 3 साल में किया जाता है। अगर हम बात करें तो हाँ, हिंदुस्तान में दोनों ही मॉडल बहुत फेमस है। अगले क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं और हमारा अगला क्वेश्चन बनता है महाधिवक्ता, महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसे। मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता कौन है, तो आपका आंसर होगा श्री पुरुषेंद्र कौरव। कौन है मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता, श्री पुरुषेंद्र कौरव। महाधिवक्ता वो व्यक्ति होता है जो राज्य सरकार को लीगल चीजों पे गाइड करता है, उनको असिस्ट करता है, उनकी तरफ से पैरवी करने का काम करता है। हर राज्य में एक महाधिवक्ता होता है लेकिन इन सबके ऊपर इनका लीडर होता है, इनका मुखिया होता है, जिसे हम कहते हैं अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल जो है वो केंद्र सरकार का लॉयर होता है। इसकी जो नियुक्ति होती है वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। वर्तमान में जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं वो है के वेणुगोपाल।
कौन है? के वेणुगोपाल, नॉट मध्य प्रदेश के नहीं, याद रखना। महाधिवक्ता कहाँ का होता है? राज्य का। लेकिन महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल कहाँ का होता है? राष्ट्र का। तो हमारे महान्यायवादी है के वेणुगोपाल, कौन से नंबर के? 15वें नंबर के। अच्छा, थोड़ा स्टैटिक और देख लेते हैं। हमारे पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? हमारे पहले महान्यायवादी कौन थे? तो याद रखना, एम सी सीतलवार। कौन थे? एम सी सीतलवार, एस आई टी ए एल डब्ल्यू ए डी, एम सी सीतलवार। नेक्स्ट चीज पे आ रहे हैं, जमीनों की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, इसी के साथ बिल्डर्स जो हैं अपनी मनमर्जियां कुजादी करने लगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 2016 में एक एक्ट पारित हुआ जिसका नाम था रेरा। फुल फॉर्म ऑफ रेरा इज रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट। पहले नाम अच्छे से पढ़िए, क्या नाम है? रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016। ये एक्ट एक तरीके से मेरे और आप जैसे लोगों के वेलफेयर के लिए ही है। हम बिल्डर्स से अपनी मेहनत की कमाई देकर जमीन खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, मकान बनाते हैं, लेकिन कई बार वो हमसे पैसे ले लेते हैं, हमें ऑन टाइम प्रॉपर्टी नहीं देते हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 पारित किया गया ताकि हमें ऑन टाइम हमारी जमीन, हमारा मकान, हमारा प्लॉट मिल जाए और बिल्डर्स अपनी मनमर्जियां ना कर पाए। और मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है जिसने रेरा एक्ट को फॉलो किया। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि रेरा एक्ट को फॉलो करने वाला, अपने देश में, अपने राज्य में इंप्लीमेंट करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो आएगा मध्य प्रदेश। क्लियर? अगली चीज पर, इसके अध्यक्ष आपसे पूछे जा सकते हैं कि मध्य प्रदेश में रेरा एक्ट के हेड कौन बने हैं, मध्य प्रदेश में रेरा किसके अंतर्गत काम करेगा? तो एंटोनी डिसा। आपको याद है एंटोनी डिसा कौन है? एंटोनी डिसा जो है वो मध्य प्रदेश के सेक्रेटरी हैं। तो याद रखना, हेड सेक्रेटरी ऑफ मध्य प्रदेश जो है एंटोनी डिसा, और वो रेरा डिपार्टमेंट के हेड भी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन एक अभियान से है, इसका नाम है दस्तक अभियान। कौन सा अभियान? दस्तक अभियान। दस्तक अभियान की शुरुआत पिछले वर्ष 15 जून से 15 जुलाई तक की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था जीरो यानी इन्फेंट से लेकर जो 5 वर्ष का बच्चा है, बच्ची है, उसमें जितने भी उसकी डीप एनालिसिस किया जाए, उसका उपचार किया जाए, अगर कोई टीका रह गया है तो उसे लगाया जाए। ये शिशु मृत्यु दर को कम करने की दिशा में एक बहुत ही बड़ा कदम है। मध्य प्रदेश का दस्तक अभियान को बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला है और आई रियली अप्रिशिएट कि एमपी गवर्नमेंट इतने अच्छे डिसीजन ले भी रही है। चलिए हमारे अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन बनता है अगेन टाइगर रिजर्व। एमपी में है तो टाइगर रिजर्व तो देखने को मिलेंगे ही। तो अगला क्वेश्चन टाइगर रिजर्व से है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। जी हाँ, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में कैंप लॉन्च हुआ था और इस कैंप का नाम था बटरफ्लाई सर्वे एंड अवेयरनेस कैंप। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में कैंप लॉन्च हुआ था जिसका नाम है बटरफ्लाई सर्वे एंड अवेयरनेस कैंप, और यहां पर तितलियों की 3 नई प्रकार की प्रजातियां मिली है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि किस टाइगर रिजर्व में तितलियों की 3 नई प्रजातियां मिली है? तो आपका आंसर होना चाहिए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में। अब आगे वो कुछ और डिफिकल्ट बनाए, मैं आपको उसके लिए पहले ही प्रिपेयर कर देती हूँ। 3 तितलियों के नाम भी देख लीजिए जो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि पहली तितली का नाम रखा गया क्लब सिल्वर लाइन। 3 प्रजातियां मिली है, इन तीनों के नाम देखिए, क्लब सिल्वर लाइन ये पहली प्रजाति का नाम है। दूसरी प्रजाति का नाम है लॉन्ग बैंडेड, LONG लॉन्ग बैंडेड, BENDED बैंडेड सिल्वर, SILVER सिल्वर, LINE लाइन, लॉन्ग बैंडेड सिल्वर लाइन। थर्ड जो हमें प्रजाति मिली है तितली की, उसका नाम है ऑरेंज टेल्ड ओवल, ORANG ऑरेंज, TELD टेल्ड, और ओवल OVAL ओवल। तो ये 3 नई प्रजातियां मिली है तितली की, और ये मिली है आपके मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में। आपके लिए अगला क्वेश्चन, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो है वो कहां पर आता है मध्य प्रदेश में? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है हमारा राष्ट्रीय सम्मान से। किशोर दा को कौन नहीं जानता और कौन उनका फैन नहीं होगा? ये सम्मान की बात है एमपी के लिए कि किशोर दा का जन्म एमपी में हुआ था। जी हाँ, किशोर कुमार राष्ट्रीय सम्मान जो है वो दिया गया वर्ष 2017 में 13 अक्टूबर के दिन, और ये सम्मान आयोजित कहां पर हुआ था? ये सम्मान आयोजित हुआ था आपके खंडवा में। तो आपसे अगर पूछा जाए किशोर कुमार राष्ट्रीय सम्मान कहां आयोजित हुआ था, तो ये आयोजित हुआ था खंडवा में। कब? 13 अक्टूबर 2017 के दिन। और इस दिन 2 लोगों को सम्मान दिया गया अलग अलग वर्षों के लिए, ठीक है। 2015 के लिए सम्मान दिया गया रूमी जाफरी को, याद रखिएगा 2 वर्षों के लिए दिया गया है। 2015 के लिए किसको मिला? रूमी जाफरी को। रूमी जाफरी कौन है? ये एक लेखक है। क्लियर? नेक्स्ट, 2016
2016 के लिए सम्मान दिया गया योगेश जी को, और योगेश जी जो है वो एक गीतकार है। इस सम्मान की स्थापना हुई थी 1997 में। थोड़ा स्टैटिक और देख लेते हैं। किशोर कुमार राष्ट्रीय सम्मान की स्थापना हुई थी 1997 में, और ये सबसे पहला सम्मान दिया गया था ऋषिकेश मुखर्जी को। किशोर कुमार राष्ट्रीय सम्मान सबसे पहले दिया गया था ऋषिकेश मुखर्जी को, और ये सम्मान देता है हमारे मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग। कौन देता है किशोर कुमार राष्ट्रीय सम्मान? मध्य प्रदेश शासन का संस्कृति विभाग, कल्चरल जो डिपार्टमेंट है मध्य प्रदेश का, वो ये सम्मान देता है। इसी के साथ इस सम्मान में दिए जाते हैं 2-2 लाख रुपए, और सम्मान जो पत्रिका होती है, शॉल होता है, श्रीफल होता है, ये दिया। रिकॉर्ड क्या है? लेक्चर नंबर 3। तो हम हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो आ रहा है एक अवार्ड से। आप सभी को लता मंगेशकर जी याद होंगी, उन्हें भारत रत्न मिला हुआ है, स्वर कोकिला के नाम से उन्हें जाना जाता है, और कहीं ना कहीं हम सब उनके गाने सुन के बड़े हुए हैं। उन्हीं के नाम पर एक अवार्ड है जिसका नाम है लता मंगेशकर राष्ट्रीय अलंकरण सम्मान। लता मंगेशकर राष्ट्रीय अलंकरण सम्मान, और ये जो सम्मान है ये दिया जाता है इंदौर में, जो मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक कैपिटल भी कही जाती है। लास्ट ईयर 26 अक्टूबर 2017 को ये अवार्ड एक साथ 5 लोगों को दिया गया, क्योंकि 2012 से ये अवार्ड किसी को भी नहीं मिला था। इसीलिए आपसे पर्टिकुलरली पूछा जा सकता है कि वर्ष 2012 में किसके लिए मिला, 2013 में किसके लिए लिया। इसीलिए मैं आपको एक एक वर्ष के उस गायक का, उस संगीतकार का नाम बता रही हूँ जो कि आने वाले एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ष 2012 की। तो 2012 के लिए मिला है उषा खन्ना जी को ये सम्मान। उषा खन्ना जी को मिला है 2012 के लिए, ये काफी अच्छी सिंगर है। अगला जो 2013 का सम्मान है ये मिला है अलका याग्निक जी को, ये तो काफी फेमस है, मुझे उम्मीद है आपको ये याद ही होंगी। अब बात करते हैं 2014 की। तो हाँ, गोल्ड मैन के नाम से फेमस बप्पी लाहड़ी को मिला है 2014 का सम्मान। 2015 उदित नारायण जी को ये सम्मान मिला है, और 2016 के लिए मिला है अनु मलिक को। सो आई एम रिपीटिंग, 2015 के लिए उदित नारायण को, 2016 के लिए मिला है अनु मलिक को। अब बात करते हैं सम्मान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। जैसे कि ये जो सम्मान है यानी लता मंगेशकर राष्ट्रीय अलंकरण सम्मान, इसकी स्थापना हुई है वर्ष 1984 और 85 में, यानी 1984-85 में इस सम्मान की स्थापना हुई है। इस सम्मान के अंतर्गत व्यक्ति को 2 लाख रुपए की राशि, शॉल, श्रीफल और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो आप बस अमाउंट याद रखिए 2 लाख रुपए, और 5 वर्ष के लिए किसे मिला है आप ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो एक और सम्मान से है, और ये सम्मान मध्य प्रदेश में ही मिला है लेकिन भिंड जिले में। तो आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है। जैसा कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड, यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड 2017 के लिए किसे दिया गया? तो आपका सिंपल आंसर होना चाहिए गोहद किला, और ये गोहद किला आता है कहां पर? भिंड जिले में। अब मैं आपसे विस्तार से बात करूंगी यूनेस्को के बारे में और इस अवार्ड के बारे में, इस किले के बारे में। सबसे पहले यूनेस्को का फुल फॉर्म देखते हैं, और ये है क्या? यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, और इसके डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्रे अजौले। इसके डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्रे अजौले। हाँ, अब मैं आपको बताऊं, हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारी फर्स्ट स्लाइड में भी डिस्कस किया है, सेकेंड में भी डिस्कस किया है, और वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। उसके बाद काफी सारी संस्थाएं बनाई गई थी, जैसे यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, IMF, इसी कैटेगरी में यूनेस्को बनाया गया, जिसका उद्देश्य है दुनिया में शांति, सुरक्षा और मानव अधिकार की रक्षा करना। और इसी क्षेत्र में ये एजुकेशन को बढ़ावा देके, साइंस को बढ़ावा देके, देशों में कल्चर को बढ़ावा देके इस क्षेत्र में आगे बढ़ता है। दुनिया भर में जो भी एजुकेशन में अच्छा होता है, जो भी साइंस में अच्छा होता है, जो भी कल्चर में अच्छा होता है, उसे सम्मानित करके अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लाना, ये यूनेस्को का काम है। और ऐसा नहीं है कि गोहद किले को मिला है, 2016 में भी, 2016 में जो उज्जैन में महितपुर नामक किला है, 2016 में उज्जैन में महितपुर नामक किला है, उसके लिए भी यूनेस्को ने इसे सम्मान किया था। तो याद रखना, अगर 2016 पूछते हैं तो महितपुर जो कि उज्जैन में आता है,
2017 पूछते हैं आपसे, तो आप याद रखिएगा गोहद किला जो कि आता है आपका भिंड में। अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप से। ध्यान से सुनिए जो मैं आपको बता रही हूँ, वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप। सबसे पहले वेन्यू पर आते हैं कि वेन्यू कहाँ था। वेन्यू था आपका बैंकॉक, और बैंकॉक कहाँ आता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि बैंकॉक कहाँ आता है और जहां आता है वहां की कैपिटल क्या है। मुझे इन दोनों के आंसर आपसे कमेंट सेक्शन में चाहिए। वेल, क्वेश्चन पे आगे बात करते हैं। वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप जो कि बैंकॉक में हुआ, इसमें मध्य प्रदेश की एक शूटर थी जिनका नाम है रूबीना फ्रांसिस। इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है और ना सिर्फ मध्य प्रदेश का बल्कि हमारे भारत का भी नाम रोशन किया है। वुमेन एम्पावरमेंट में वैसे भी मध्य प्रदेश बहुत कुछ कर रहा है, रूबीना फ्रांसिस ने इस बात को सही साबित किया है। अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जो मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि 29 राज्य और हमारी 7 यूनियन टेरिटरी में भी काफी फेमस हो रही है, जिसका नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। ध्यान से सुनिए, केंद्र सरकार की इस योजना का नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। अब ये है क्या, मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत हर राज्य को कम से कम 2 राज्यों के साथ अपने कल्चर को एक्सचेंज करने के लिए टाई अप करना है। जैसे मध्य प्रदेश ने जिन 2 राज्यों के साथ टाई अप किया है वो है मणिपुर और नागालैंड। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के जितने भी हथकरघे हैं, जितना भी कल्चर है, जितना भी हेरिटेज है, उसका फेयर लगाया जाएगा मणिपुर में और नागालैंड में। वैसे ही मणिपुर का जो भी अच्छा कल्चर है, जो भी उनका हेरिटेज है, जो भी उनकी अच्छी कपड़े हैं, जो भी उनका ट्रेडिशन है, फेस्टिवल है, उन सबको लेके फेयर लगाया जाएगा एमपी और नागालैंड में। और सेम चीज फॉलो होती है नागालैंड में केस में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत किन 2 राज्यों को अपना दोस्त बनाया, पार्टनर बनाया, साथी बनाया, तो आपका आंसर होना चाहिए मणिपुर एंड नागालैंड। अगेन आपके लिए एक और सवाल, मणिपुर और नागालैंड इन दोनों के चीफ मिनिस्टर कौन है? मैं कमेंट सेक्शन में आपका वेट करूंगी इसके लिए। आगे बढ़ते हैं। सीआईएसएफ की रिजर्व बटालियन के लिए भूमि आवंटित की गई है और ये भूमि आवंटन हुआ है हमारे सीहोर जिले के गांव जमोनिया में। याद रखना सीआईएसएफ दैट इज सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके डायरेक्टर जनरल है ओपी सिंह। यानी हमने यहां से स्टैटिक फैक्ट भी कवर किए कि सीआईएसएफ का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और इसके डायरेक्टर जनरल है ओपी सिंह और सीआईएसएफ ने अपनी रिजर्व बटालियन के लिए जो भूमि मांगी है वो मध्य प्रदेश से मांगी और ये भूमि मिली उन्हें सीहोर जिले के जमोनिया गांव में। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि 6 नंबर का। ये क्वेश्चन काफी फेमस है ना सिर्फ एमपी, ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लग रहा है रीवा जिले की गुर तहसील में। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लग रहा है रीवा जिले की गुर तहसील में और ये 750 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है क्योंकि हमने पहली स्लाइड में एनटीपीसी डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस कर रहे हैं रीवा जिले की गुर तहसील के बारे में। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं जो कि हमारे फेस्टिवल से संबंधित है, हमारे डांस से संबंधित है। हमने पहले भी देखा था कि मध्य प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार जो लैटिट्यूड इंटरनेशनल है उसके साथ उसने टाई अप किया। ये हमारे पहले वीडियो में हमने रीड किया था, आई होप आपको याद होगा। इसी से संबंधित एक चीज है कि मध्य प्रदेश ने अपना अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो डांस फेस्टिवल सेलिब्रेट किया, इंटरनेशनल खजुराहो डांस फेस्टिवल सेलिब्रेट किया है। कहां पर? एमपी के अंदर किया गया है। ये कौन से नंबर का था? ये था आपके 43rd नंबर का था। इंटरनेशनल खजुराहो फेस्टिवल कितने नंबर का? 43rd। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो यहां से निकल रही है वो ये है कि चीफ गेस्ट कौन था। जैसा कि रिपब्लिक डे अभी हुआ था आप सभी को याद होगा जिसमें 10 आसियान देशों के अध्यक्ष आए थे, वैसे ही कोई चीफ गेस्ट होता है और यहां पे चीफ गेस्ट था बांग्लादेश। जी हां, बांग्लादेश की जो डिग्नेटरीज थी, जो वहां के डिप्लोमेट्स थे, वो हमारे चीफ गेस्ट थे। इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन शुरू से ही बहुत अच्छे रहे हैं और रिसेंटली हमने एक ट्रेन भी चलाई है मैत्री और बंधन एक्सप्रेस जिससे रिलेशनशिप को और स्ट्रांग किया जा सके। वेल, बांग्लादेश आया तो उसके स्टैटिक फैक्ट एक बार देख लेते हैं कि बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और यहां की करेंसी है टका। वर्तमान में यहां की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना।
याद रखिएगा, क्योंकि बांग्लादेश इंडिया में बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं और वर्तमान में बांग्लादेश में पॉलिटिकल क्राइसिस काफी चल रही है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। चलिए आगे बात करते हैं। दो दिवसीय टू डेज एक समिट हुआ और ये समिट हुआ इंदौर में और ये समिट था आपका साउथ एशियन स्पीकर समिट। व्हाट आई एम सेइंग, दो दिवसीय साउथ एशियन स्पीकर समिट हुआ है और ये समिट हुआ है आपके इंदौर में जो अगेन वाणिज्यिक कैपिटल है आपके मध्य प्रदेश की। जी हाँ, टू डे समिट। सबसे पहले ये साउथ एशियन समिट है क्या और उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए समिट कहाँ हुआ, आपका आंसर होगा इंदौर। इस समिट का लीडर कौन था, अध्यक्ष कौन था, तो इस समिट को लीड किया था हमारी माननीय पार्लियामेंट की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जी ने, जो मध्य प्रदेश से ही है, इंदौर से ही है। इसके अलावा अब बात करते हैं साउथ एशियन, एक ग्रुप है जिसका नाम है सार्क, SAARC, सार्क, दैट इज साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन। इस ग्रुप की स्थापना इस उद्देश्य से हुई थी कि साउथ एशिया में आने वाले जो देश हैं उनके बीच में एक मधुर संबंध बनाया जा सकेगा, आगे जाकर हम हमारा हेरिटेज, हमारा कल्चर, हमारी एजुकेशन, हमारे साइंस को एक्सचेंज करेंगे ताकि देशों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो कम हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखा जाए तो सार्क अपने उस गोल को अचीव करने में आज भी काफी पीछे है और इसका नतीजा ये था कि म्यांमार और पाकिस्तान, ये दोनों ही देश इस दो दिवसीय साउथ एशियन स्पीकर समिट में शामिल नहीं हुए। तो पहले सार्क का फुल फॉर्म याद रखिएगा, समिट कहां पे हुई थी इंदौर ये याद रखिएगा, लीड किसने किया था, सुमित्रा महाजन जी ने किया था, प्लीज ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर वेट कर रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, मुझे उम्मीद है आप इसका आंसर दे ही देंगे। एक फेस्टिवल है जिसका नाम है भगोरिया, जो कि भगोरिया समुदाय, भगोरिया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और ये मनाया जाता है कहां पर, ऑफ कोर्स झाबुआ के अंदर ये मनाया जाता है, जहां से हमने कल ही डिस्कस किया था मातानु वन नामक एक कैंपेन शुरू किया था, वो भी यहीं से था, आपको याद होना चाहिए। वेल, आगे बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। 1600 करोड़ साल, एग्जैक्टली 1600 करोड़ ईयर पुराना फॉसिल मिला है, पुराना जीवाश्म मिला है और जैसे ये जीवाश्म मिला अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक दौड़े दौड़े आ गए चित्रकूट के अंदर, क्योंकि 1600 करोड़ साल पुराना जीवाश्म मिला है आपके चित्रकूट मध्य प्रदेश के अंदर। तो याद रखिएगा ये अब तक का सबसे पुराना फॉसिल है जिसपे दुनिया भर के वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश सरकार प्रोबेबली ऐसी पहली सरकार बनने वाली है जो पुरोहितों के लिए, जो पुजारियों के लिए भी डिप्लोमा बनाएगी। जी हाँ, मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि अगर कोई व्यक्ति पुरोहित बनना चाहता है, पुजारी बनना चाहता है या अन्य धर्मों से संबंधित और उस धर्म का शीर्ष बनना चाहता है तो उसके लिए बाकायदा एक वर्ष का डिप्लोमा कोर्स कराया जाएगा, उसे शिक्षा दीक्षा दी जाएगी अपने अपने धर्म से संबंधित क्षेत्रों की और इस डिप्लोमा को कराने की जिम्मेदारी दी गई है जिस संस्थान को, उसका नाम है महर्षि पतंजलि संस्कृति संस्थान। ध्यान से लिखिए, महर्षि पतंजलि संस्कृति संस्थान और ये है आपका भोपाल में। देखिए इंडिविजुअल क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि महर्षि पतंजलि संस्कृति संस्थान कहां पर है, भोपाल में, या फिर किस संस्थान के द्वारा ये फैसला किया गया है कि एक वर्ष का डिप्लोमा कराया जाएगा अगर किसी को पुजारी पुरोहित या अपने धर्म का श्रेष्ठ बनना है तो आपका आंसर होगा महर्षि पतंजलि संस्थान। किसने किया ये फैसला, मध्य प्रदेश सरकार ने किया है और इस डिप्लोमा का नाम है पुरोहितियम। जी हाँ, इस डिप्लोमा का नाम भी रखा गया पुरोहितियम, देखा जा सकता है इसको भी। वेल, आगे बढ़ते हैं, जोक्स अपार्ट। इसराइल की एक कंपनी है जिसका नाम है इसराइल वेपन इंडस्ट्री। इसराइल याद होना चाहिए आपको, अभी इसी वर्ष में इसराइल के जो प्रधानमंत्री थे बेंजामिन नेतन्याहू, जो बहुत फेमस है बीबी के नाम से, उन्हें बिल्कुल प्रोटोकॉल तोड़ के वेलकम किया था हमारे माननीय पीएम साहब ने। तो वहीं से एक न्यूज है कि इसराइल वेपन इंडस्ट्री जो है उसने भारत की पुंज लिलॉयड के साथ एक टाइप किया है और इस टाइप के तहत ये दोनों मिलकर स्मॉल वेपन्स बनाएंगे, यानी छोटे हथियार बनाएंगे और इसके लिए जो कारखाना लगाया गया है वो लगाया गया है आपके मालनपुर में। जी हाँ, स्मॉल वेपन बनाने की इंडस्ट्री बनाई गई है मालनपुर में और इसमें सहयोग कर रहा है इसराइल वेपन इंडस्ट्री पुंज लिलॉयड को। इसराइल की कैपिटल है
जी हाँ, इसराइल की कैपिटल, या आप मुझे बताएंगे क्योंकि इसराइल बहुत चर्चा में रहा है, मैं वहां की करेंसी बताती हूँ। इसराइल की करेंसी है न्यू शेकेल, लेकिन वहां की कैपिटल क्या है ये आप मुझे बताइए, क्योंकि पीएम का नाम भी मैं आपको दे चुकी हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमने हमारे पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन गया है पूरे भारत में जिसने अपने राज्य के लोगों की खुशियों को ध्यान में रखते हुए हैप्पीनेस डिपार्टमेंट हैप्पीनेस इंडेक्स लॉन्च किया। तो वहीं से एक न्यूज आ रही है कि हैप्पीनेस इंडेक्स बनाया जाएगा जिसमें मध्य प्रदेश के लोगों की खुशियों की असल वजह क्या है, वो दुखी क्यों है, वो खुश कैसे हो सकते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, इन सारे पैरामीटर्स को तय किया जाएगा एक आईआईटी के द्वारा, और ये है आईआईटी खड़गपुर। तो आपके लिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से फ्रेम होगा एग्जाम में कि मध्य प्रदेश सरकार ने किस आईआईटी के साथ टाई अप किया है हैप्पीनेस इंडेक्स के पैरामीटर्स को तय करने के लिए। तो आपका आंसर होगा आईआईटी खड़गपुर, या आईआईटी खड़गपुर ने किस राज्य के साथ हैप्पीनेस इंडेक्स बनाने के लिए टाई अप किया, तो आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन जो है वो आ रहा है हमारे कृषि से संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित है, लेकिन इसका सीधा संबंध हमारे फार्मर से है। जी हाँ, एक स्कीम, एक योजना चलाई गई है जिसका नाम है कृषि ऋण समाधान योजना। जी हाँ, इसका नाम है कृषि ऋण समाधान योजना, और 1,000 करोड़ का फंड बनाया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। इसमें इस योजना का उद्देश्य क्या है, इस योजना का उद्देश्य हमारे जो किसान भाई बंधु हैं उनकी ऋण से संबंधित परेशानियों को सॉल्व किया जाए, उन्हें जो भी परेशानी है उन्हें सुना जाए, और अपने लेवल पर अधिकारी स्तर पर सरकार जो भी कर सकती है उन्हें कम से कम समय में वो सब करके दे। तो कृषि ऋण समाधान योजना का फंड कितना, 1,000 करोड़। इसका संबंध किससे, इसका संबंध है किसानों की जो लोन रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो ऋण रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने से। अगली चीज पे बढ़ते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय यानी शिवराज सिंह चौहान जी ने वीर भारत न्यास, माननीय मुख्यमंत्री ने वीर भारत न्यास नामक एक फंड, एक डिपार्टमेंट की स्थापना की है जिसके अध्यक्ष वो खुद होंगे। इस डिपार्टमेंट को उन्होंने 9 करोड़ रुपए दिए हैं। इस डिपार्टमेंट का उद्देश्य है शहीदों की स्मृति में कार्य करना, उनकी यादों को सहेज के रखना, वर्तमान की जनरेशन से, वर्तमान की पीढ़ी से उसको अवगत कराना। तो आपके लिए जो महत्वपूर्ण सवाल होगा वो सिर्फ इतना सा होगा कि वीर भारत न्यास का अध्यक्ष कौन होगा। तो वीर भारत न्यास के अध्यक्ष होंगे सीएम। हमारे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है कुछ इस तरीके से, क्वेश्चन आएगा जिसका आंसर मैं आपको बाद में दूंगी कि किस ट्राइबल को यानी किस जनजाति को कुपोषण से बचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने प्रति माह 1,000 रुपए देने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश की किस जनजाति को कुपोषण यानी माल न्यूट्रिशन से बचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 1,000 रुपए देने का फैसला किया है प्रति माह, तो आपका आंसर होगा सहरिया। जी हाँ, सहरिया ट्राइबल्स को कुपोषण से बचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता देगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यहां पर आते हैं हमारे माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। जी हाँ, आपको झलकारी बाई जी याद है, रानी लक्ष्मीबाई जैसी ही दिखती थी, उनके साथ कई युद्ध में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, और इनकी प्रतिमा, इनकी स्टैच्यू का अनावरण किया गया है, और ये स्टैच्यू लगाई गई है गुरु तेग बहादुर कॉम्प्लेक्स। कहां पर लगाई गई है इनकी स्टैच्यू, गुरु तेग बहादुर कॉम्प्लेक्स। जी हाँ, रामनाथ कोविंद जी ने झलकारी बाई की स्टैच्यू का अनावरण किया, उनको अनवील किया, और ये हुआ गुरु तेग बहादुर कॉम्प्लेक्स में, जो कि है आपके भोपाल में। तो आपसे यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन, झलकारी बाई जी की स्टैच्यू कहाँ लगाई गई है, भोपाल। स्टेडियम पूछेंगे तो गुरु तेग बहादुर कॉम्प्लेक्स या गुरु तेग बहादुर स्टेडियम आप याद रखिएगा। इसका उद्घाटन किसने किया, इसको अनवील किसने किया, तो माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो आपका आंसर होगा अमरकंटक। इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है अमरकंटक में, हाल ही में चर्चा में आ गई क्योंकि सरकार इसमें काफी अच्छी फंडिंग कर रही है और इसे इंटरनेशनल लेवल पे इसे और ज्यादा प्रमोट करने पर ध्यान दे रही है। हमारा अगला क्वेश्चन बन रहा है, एक फंक्शन हुआ था, और ये फंक्शन था 26 नेशनल
कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, जी हाँ 26वां नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कहाँ हुआ? तो सिंपल सा साधारण सा आपका आंसर होगा हनुवंतिया। 26वां नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कहां पर हुआ? हनुवंतिया में हुआ। अब स्टेट इलेक्शन कमिश्नर या फिर ये कॉन्फ्रेंस क्या है, इसके बारे में जरा डिटेल में बात करते हैं। जैसे कि इलेक्शन होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो इन सारे चुनावों की तिथि, इन सारे चुनावों को मैनेज करने का काम करता है हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर डिपार्टमेंट। वर्तमान में हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ओपी रावत, जो कि लोकसभा के चुनावों को मैनेज करते हैं। इसी के साथ राज्यों में जब चुनाव होते हैं, विधानसभा चुनाव होते हैं, तो उन्हें मैनेज करता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एमपी के वर्तमान में है आर परशुराम। तो याद रखना, वर्तमान में मध्य प्रदेश के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कौन है? आर परशुराम। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो सबसे बड़ा होता है वो कौन है वर्तमान में? ओपी रावत। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। इंटरनेशनल हर्बल फेयर कहां पर हुआ? अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेदिक मेला कहां पर लगाया गया? ये लगाया गया मुख्यमंत्री कौशल्या, इट्स कौशल्या, ओके नॉट कौशल। तो मुख्यमंत्री कौशल्या योजना का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा नक्सली परिवार की महिलाओं को कौशल दक्ष करने से, उनके स्किल एनहांसमेंट, उनके स्किल डेवलपमेंट को करने से। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने नक्सली महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए, उनके स्किल एनहांसमेंट के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो आप आंसर लगाइएगा मुख्यमंत्री कौशल्या योजना, यानी मुख्यमंत्री कौशल्या योजना याद रखिए किससे संबंधित है? नक्सली परिवार की महिलाओं को कौशल से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है, या एक चीज और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे, हमारे तकनीक एवं कौशल विकास के राज्य मंत्री कौन है? जी हाँ, मध्य प्रदेश सरकार में तकनीक एवं कौशल विकास के राज्य मंत्री कौन है? कॉमेंट सेक्शन में आपका आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जो है, एक ऐप है, इस ऐप का नाम है फसल गिरदावरी ऐप। जी हाँ, एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है फसल गिरदावरी ऐप। इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है हमारी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, और ये एप्लीकेशन लॉन्च की गई है हमारे पटवारियों के लिए। जी हाँ, जो हमारे फ्यूचर पटवारी आप लोग बनने वाले हैं उनके लिए ही एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। जैसा कि पटवारी को हमेशा अपने पास एक बस्ता रखना होता है जिसमें खसरा होता है कि कितना क्या हुआ, फसल कितनी उगाई गई, कितनी काटी गई, लेकिन अब सब कुछ अपग्रेडेशन हो रहा है, डिजिटल मीडिया हो रहा है, सब कुछ डिजिटल है, तो क्यों ना मध्य प्रदेश सरकार पीछे रह जाए। इसीलिए एप्लीकेशन लॉन्च की गई है जिसका नाम है फसल गिरदावरी ऐप। कोई आपको बस्ता नहीं रखना है, आपको सारे डिटेल जो है इस एप्लीकेशन के अंदर स्टोर रखनी है, और रियल टाइम में इन सारी चीजों को मॉनिटर करेगी एमपी गवर्नमेंट। इस चीज को याद रखें। हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है, एक स्टैच्यू है, जैसे कि कल हमने झलकारी बाई के स्टैच्यू को अनवील करवाया था, वैसे ही आज एक और स्टैच्यू हम अनवील करवा रहे हैं जिसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय। जी हाँ, दीनदयाल उपाध्याय जी की जो स्टैच्यू है इसका उद्घाटन किया गया, इसको अनवील्ड किया गया, और ये हुआ आपके लाल घाटी भोपाल के अंदर। ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? ये इम्पोर्टेंट इसीलिए हो जाता है, अमित शाह जी ने इसका खुद उद्घाटन किया, माननीय मुख्यमंत्री भी यहाँ पर अवेलेबल थे, और सारे जो हमारे माननीय गण है वो यहाँ पर उपस्थित थे। अब आप मुझे ये और बताइए कि अमित शाह का संबंध किस पार्टी से है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है, कल हमने एक समिट डिस्कस की थी, अगेन एक और समिट आ गई है, इंडिया आसियान यूथ समिट। जी हाँ, एक समिट है जिसका नाम है इंडिया आसियान यूथ समिट। तो सबसे पहले क्वेश्चन, फिर हम बात करेंगे डिटेल्स पर। इंडिया आसियान यूथ समिट कहां पर हुआ? तो आप याद रखना इसका आंसर है भोपाल में ये समिट हुआ, और ये 5 दिन का समिट था, 5 डेज समिट था। बेसिकली ये है क्या, आसियान एक ग्रुप है जिसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। जी हाँ, यानी दक्षिण पूर्व में आने वाले एशियाई देशों का संगठन जो है वो आसियान है, और भारत और आसियान के रिश्तों को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से यूथ समिट भोपाल में आयोजित करवाया। उम्मीद है आपको याद होगा 69 रिपब्लिक डे पर आसियान के 10 राष्ट्राध्यक्ष हमारे हिंदुस्तान में आए हुए थे, हमारे चीफ गेस्ट बने थे। ये वही आसियान है जिसके साथ इंडिया के रिलेशनशिप को एक बड़ा डिकैट पूरा हुआ है, और इसीलिए हमने उन्हें यहां पर बुलाया था। तो इसी कड़ी में ये हमारा अगला क्वेश्चन था। अब हम अगली चीज पर आते हैं, एक है मेला, ये बहुत ही फेमस मेला है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये कॉन्ट्रोवर्शियल मेला है,
इसका नाम है गोटमार मेला। जी हाँ, गोटमार मेला आपसे पूछा जाएगा ये कहाँ मनाया जाता है, तो ऑफकोर्स एमपी का है तो एमपी में ही मनाया जाता है, लेकिन कहाँ ये मनाया जाता है, पांडुर्णा गांव में। ये है क्या, एक नदी है, बेसिकली एक नदी है जाम नदी, जिसमें एक तरफ है सबर गांव और उसके दूसरी तरफ, नदी के दूसरी तरफ है बंधुर्णा गांव। ठीक है, एक तरफ है सबर गांव, दूसरी तरफ है बंधुर्णा गांव। जाम नदी में बीचों बीच झंडा लगा दिया जाता है और दोनों गांव के जो लोग हैं वो अपने अपने गांव की तरफ खड़े हो जाते हैं, और जैसे ही शुरुआत होती है सुबह की, दोनों में इस बात का युद्ध शुरू हो जाता है कि जाम नदी से वो झंडा कौन लेके जाएगा, और जो भी उस झंडे को अपने घर ले जाता है, अपने गांव ले जाता है, गोटमार का मेला वो जीत लेता है। लेकिन लास्ट ईयर ये बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया और इसी में सीपीआरसी के 144 सेक्शन के तहत इसमें कुछ कुछ चीजों को करना पड़ा जो कि एक मजबूरी बन गई थी। वेल, हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश है जो मध्य प्रदेश के किसानों को फ्लावर्स यानी फूल, ऑरेंज यानी कि संतरे के फार्मिंग में ट्रेनिंग देगा? भारत। ठीक है, भारत। भारत में कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को कौन सा देश है जो फ्लावर्स और ऑरेंज फार्मिंग में ट्रेनिंग देगा? तो आपका आंसर होगा इसराइल। जी हाँ, इसराइल जो है भारत से बहुत अच्छे रिश्ते रख रहा है और इसी कैटेगरी में इसका लाभ मिल रहा है हमारे प्यारे एमपी को, मध्य प्रदेश के किसानों को फ्लावर्स और ऑरेंज फार्मिंग की ट्रेनिंग देगा इसराइल। इसराइल से रिलेटेड क्वेश्चन हमने कल डिस्कस कर लिए थे इसलिए हम उन पर नहीं जाएंगे, लेकिन आप मुझे ये बताएंगे कि इसराइल में एक खास प्रकार की सिंचाई होती है, एक खास प्रकार का इरिगेशन होता है, उसका नाम क्या है, मैं कमेंट सेक्शन देखूंगी जरूर। अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है, सबसे ज्यादा सोयाबीन मध्य प्रदेश में होता है इसीलिए इसे सोया स्टेट कहते हैं, ये हम सब जानते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का कौन सा रीजन है, कौन सा क्षेत्र है जिसमें 20% सोयाबीन होता है? जी हाँ, जितना सोयाबीन होता है उसका 20% मध्य प्रदेश के किस हिस्से में होता है? तो द राइट आंसर इज मालवा रीजन। आपने पूछा जाए मध्य प्रदेश के किस हिस्से में सबसे ज्यादा 20% सोयाबीन का उत्पादन होता है, तो द राइट आंसर इज मालवा। अगर हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाए दुनिया में सबसे ज्यादा सोया उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो आंसर क्या होगा? इंडिया। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, इसका आंसर होगा ब्राजील, और ब्राजील की कैपिटल है ब्रासिलिया, यहाँ की करेंसी है रियल, REAL, रियल, ध्यान से लिखिएगा बिकॉज रियल अलग है एंड रियल अलग है। दूसरी चीज, ब्राजील में 2016 में कुछ हुआ था, कुछ बहुत बड़ा हुआ था, और वहां पे वुमेन्स ने इंडिया का नाम बहुत रोशन किया था। आप मुझे ये बताएंगे कि 2016 में ब्राजील में क्या हुआ था, और हिंट ये है कि 2020 में जापान में वही चीज होने वाली है, वेट करते हैं आपका। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं गाइस एक और सोया से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, एक डिसीज है येलो मोसैक, दैट इज येलो मोसैक। येलो मोसैक डिजीज का संबंध जो है वो सोयाबीन की फसल से है। कई बार ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि येलो मोसैक जो है वो किस एग्रीकल्चर में या किस प्रकार की खेती में लगने वाला रोग है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा सोयाबीन। क्लियर, ये सबसे ज्यादा डिसीज है जो सोया की फसलों को खराब करती है, हमारे किसान भाई बंधु इस बात से बड़े परेशान रहते हैं। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मतलब भारत में आधार इंसानों का तो है ही, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार एमपी के 90 लाख जानवरों का भी आधार बनवाने वाली है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा राज्य है जो अपने 90 लाख जानवरों का आधार कार्ड बनवा रहा है, ताकि अगर वो किसी पड़ोसी राज्य में चले जाएं या घूमते फिरते भोपाल से इंदौर चले जाएं या इंदौर से हरदा निकल जाएं, तो उन्हें पकड़ा जा सके कि ये जो आधार वाला पशु है भोपाल का है या इंदौर का है। तो आप याद रखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार 90 लाख पशुओं का आधार बनवा रही है, जिसमें 84 लाख 84 लाख गाय शामिल है। इसमें होगा क्या, अगर प्रैक्टिकल वे में बात करें तो होगा क्या, इसके अंतर्गत उस पशु उस जानवर की पूरी स्कैनिंग की जाएगी, स्कैनिंग करने के बाद उनके कान में येलो चिप लगाई जाएगी, इस येलो चिप से ट्रैक किया जाएगा कि वो जो पशु है वो कहां से और वो किस व्यक्ति को बिलोंग करता है। इसका बजट याद रखिएगा, 2 साल के अंदर इस सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करना है और बजट होगा 13 करोड़ का। अगली चीज पर बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने एक टारगेट फिक्स किया, ये टारगेट है कि वर्ष 2018 यानी जो हमारा रनिंग ईयर चल रहा है, इस रनिंग ईयर में मध्य प्रदेश सरकार शहरों में रहने वाले गरीब यानी अर्बन पुअर के लिए
5 लाख हाउस बनाने वाली है। तो आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश सरकार ने एक टारगेट निश्चित किया है 5 लाख अर्बन पुअर के लिए घर बनाने का, हाउस बनाने का, ये कब तक इम्प्लीमेंट होगा? सो द राइट आंसर इज 2018। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो हो गई अर्बन पुअर की बात, अब बात करें रूरल पुअर की, यानी जो गांव में रहते हैं गरीब उनकी। तो डियर 15 लाख रूरल पुअर के लिए 2018 में, 15 लाख, ओके 15 लाख रूरल पुअर के लिए 2018 में मकान बनाए जाएंगे, घर बनाए जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है, मध्य प्रदेश सरकार ने एक टारगेट, एक ईयर निश्चित किया है कि गरीबी मुक्त या भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश कब तक होगा? जी हाँ, गरीबी मुक्त मध्य प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश कब तक होगा? तो ये जो डेट है, ये जो डेडलाइन है, वो है 2022। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक अवार्ड फंक्शन हुआ था 27 सितंबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड टूरिज्म डे, यानी विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। और 27 सितंबर के दिन एक फंक्शन हुआ था नई दिल्ली के अंदर, उसमें काफी सारे राज्यों को अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए, और एक अवार्ड था कि किस राज्य ने सबसे अच्छी बुक का पब्लिकेशन किया हिंदी कैटेगरी में, और सबसे अच्छी बुक का पब्लिकेशन करने के लिए मध्य प्रदेश को अवार्ड मिलता है, और ये बुक थी सिंहस्थ। जी हाँ, सिंहस्थ 2016 जो था उसमें जितनी भी खूबसूरत चीजें थी, जैसे मंदिर, वहां का कल्चर, वहां का आर्ट, इन सारी चीजों को इस बुक में दिखाया गया। इसे ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी काफी सराहा गया। इसीलिए याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन हिंदी, नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन हिंदी किस राज्य को मिला, तो आपका आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। अगर वो आपसे पूछते बुक कौन सी थी, तो याद रखिएगा सिंहस्थ 2016। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य को या किस राज्य की सरकार को हॉल ऑफ फेम, वर्ल्ड टूरिज्म डे के दिन हॉल ऑफ फेम किस राज्य की सरकार को मिला, तो आपका आंसर होगा एग्जैक्टली आपका प्यारा अपना मध्य प्रदेश। और इस अवार्ड को ग्रहण किया था हमारे पर्यटन मंत्री श्री सुरेंद्र पटवाजी ने। तो यहाँ से एक क्वेश्चन इंडिविजुअल बन गया कि मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री कौन है, तो आपका आंसर होगा जी हाँ, सुरेंद्र पटवाजी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम, और हमारा अगला क्वेश्चन है जी, 27 सितंबर को जो वर्ल्ड टूरिज्म डे हुआ था, उस दिन बेस्ट टूरिज्म स्टेट का अवार्ड किसे मिला, यानी बेस्ट टूरिज्म स्टेट वो कौन सा राज्य है जो सबसे अच्छा है टूरिज्म के लिहाज से? तो ये सबसे अच्छा राज्य हमारा प्यारा एमपी, और ये अवार्ड एमपी को कोई पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिला है। एमपी में रहने पर कई बार बहुत प्राउड होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एक स्कीम से, और ये स्कीम बहुत इंटरेस्टिंग है, आओ भैया तुम्हें सैर कराऊं। जी हाँ, ये मध्य प्रदेश सरकार की एक स्कीम है जिसका नाम है आओ भैया तुम्हें सैर कराऊं। इस स्कीम का उद्देश्य है महिलाओं को एम्पावर करना कि अगर उन्हें घर से बाहर सब्जी लेने के लिए निकलना है तो वो अपने भाई पर, अपने पिता पर, किसी पर डिपेंड ना रहें, वो ऑटो ना करें, रिक्शा ना करें, बल्कि खुद अपनी स्कूटी चलाएं और निकल जाएं। इसी कैटेगरी में मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को मुफ्त लाइसेंस देने का फैसला किया, और मध्य प्रदेश में महिलाओं के लाइसेंस का कलर है पिंक, ये भी याद रखिएगा। इसी के साथ ये स्कीम लॉन्च की गई थी भाई दूज, यानी दिवाली के बाद जो भाई दूज आती है उस दिन, ताकि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा एनकरेज हो, उनके भाई उन्हें ये तोहफा दें कि आओ बहना मैं आपका लाइसेंस बनाऊं फिर आप मुझे सैर कराएं। ये काफी इंटरेस्टिंग है। वेल, अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है एक और स्कीम है जिसका नाम है ऑपरेशन ड्राइविंग शौर्य। हमारी अगली स्कीम है ऑपरेशन ड्राइविंग शौर्य। ये स्कीम 1 नवंबर से 8 मार्च तक के लिए थी, 1 नवंबर से 8 मार्च ये कैंपेन था बेसिकली। इस कैंपेन का उद्देश्य था महिलाओं को ड्राइविंग प्रोफेशनलिज्म वे में अपनाने पर, यानी महिलाएं, अभी तो हमने डिस्कस किया कि आपको सब्जी लेने जाना है तो जाइए, लेकिन अगर ऐसा हो कि महिलाएं खुद से कार चलाएं, महिलाएं खुद से बाइक राइड करें और दूसरी महिलाओं को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएं, जैसे पुरुष ड्राइवर होते हैं वैसे महिलाएं ड्राइवर क्यों ना हो, ये प्रोफेशन महिलाओं का क्यों ना हो, इसी कैटेगरी में महिलाओं के लिए सरकार ने लॉन्च किया ऑपरेशन ड्राइविंग शौर्य, ताकि महिलाएं